छिपिटोला स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को एक विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में भक्तजनों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सदी के महान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि मरण महोत्सव के उपलक्ष्य में सामूहिक विनयांजलि सभा का आयोजन हुआ। यह विनयांजलि सभा सकल दिगंबर जैन समाज छिपिटोला के तत्वावधान में आगरा के छिपिटोला स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा पंचायती मंदिर में 25 फरवरी को आयोजित की गई। विनयांजलि सभा में छिपिटोला की समग्र जैन समाज ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। छिपिटोला में आयोजित विनयांजलि सभा में गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे भक्त दीपक जैन ने कहा कि गुरुवर के देवलोक गमन से जैन समाज को काफी बड़ी क्षति हुई है, इसकी भरपाई होना मुश्किल है। भारत की आस्था का केंद्र संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का 18 फरवरी को ब्रह्मलीन जो हो गए देवलोक गमन हुआ, उनकी विनयांजलि सभा संपूर्ण भारत में आज 25 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में एक साथ एक समय पे करी जा रही है। इसमें सभी भक्त अपने अपने संस्मरण पूज्य आचार्य भगवान से जुड़े हुए संस्मरण बता रहे हैं और अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य भगवान पूरे भारत के जन जन की आस्था का केंद्र थे, उनकी यादें उनकी स्मृति उनके निर्देशन में यह पूरी समाज आगे भी चलती रहेगी। आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि 108 विद्यासागर जी महाराज की एक विनयांजलि सभा छिपिटोला जैन मंदिर में रखी गई है, जिसमें सभी जैन समाज के महानुभाव उपस्थित हैं और अपनी अपनी ओर से अपनी समाज की ओर से विनयांजलि अर्पित कर रहे हैं। आचार्य गुरुवर एक विराट दिव्य स्वरूप था, विश्व वंदनीय गुरुवर के चरणों में सभी लोगों की ओर से विनयांजलि अर्पित करते हैं। छिपिटोला में विनयांजलि सभा का संचालन छिपिटोला मंदिर कमेटी के पूर्व मंत्री मुरारीलाल जैन ने किया। इस विनयांजलि सभा में समग्र छिपिटोला जैन समाज ने आचार्य श्री को श्रद्धा सुमन अर्पित कर आचार्य श्री द्वारा बताए गए पथ पर चलने का संकल्प लिया। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।